Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying double entry bookkeeping and the concept is journal entry for GST and the chapter is accounting of goods and services tax, yani GST. Question A, past journal entries in the books of Puneet of Delhi for the following. तो आप जर्नल एंट्री देने से पहले आप लिखना है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पुनीत ऑफ दिल्ली. जर्नल का फॉर्मेट आपको पता है. इस क्वेश्चन में डेट नहीं है, 1, 2, 3, 4 दे रखा है. रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम करण एंड कंपनी फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ 50,000. तो फर्स्ट पार्ट में नो एंट्री फॉर रिसीविंग एन ऑर्डर विदाउट मनी. पैसे नहीं मिल रहा है, ऑर्डर मिल रहा है. पैसे नहीं मिल रहे तो हम ऑर्डर सप्लाई भी नहीं कर रहे हैं. तो इसलिए कोई ऑर्डर के लिए विदाउट एनी फाइनेंशियल कंसिडरेशन जर्नल एंट्री होता नहीं. सेकेंड, रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम एक ही कंपनी फॉर गुड्स ऑफ 1 लाख अलॉन्ग विद ए चेक ऑफ 25,000 एज एडवांस. एक ही एंड कंपनी से चेक मिला तो बैंक बढ़ेगा. इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड. तो एडवांस मिला, बैंक अकाउंट डेबिटेड. सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए एडवांस मिल रहा है फ्रॉम एक ही एंड कंपनी. तो हमारे हम किससे पैसे लिए तो हमारा उधारी बढ़ गया, इंक्रीज इन लायबिलिटी. तो एक यानी कंपनी से हमने लायबिलिटी इनकर कर लिया क्योंकि हम उनसे पैसे ले लिया. इसको एलाबोरेट करके लिख सकते हैं टू एडवांस फ्रॉम एक यानी कंपनी, ये लिख सकते हैं इंक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिटेड. दोनों इंक्रीज कर रहा है, एसेट इंक्रीज डेबिट, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट. नैरेशन लिख लो. Being advance received by cheque of rupees 25,000 from AK and company. Third, आपके इस क्वेश्चन में थर्ड एंट्री में पेड टू स्टाफ 40,000 against outstanding salaries of 60,000. 60,000 का उधारी था, 40,000 हमने दिया. 60,000 पहले उधारी था, हम 40,000 पे करा. हम सैलरी नहीं पे करा, हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी पे करा. तो डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिटेड. सैलरी 40,000 पे करने की वजह से लायबिलिटी डिक्रीज हो गया और एसेट भी डिक्रीज हो गया. डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड. सैलरी आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश. नरेशन लिख द बींग पेड ए पार्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग सैलरी. फोर्थ एंट्री, सोल्ड गुड्स टू भारत कैथल हरियाणा. एक जगह है तो भारत इज स्टेइंग देयर, इट इज कैथल ऑफ हरियाणा. 10,000 प्लस IGST 12% आउट ऑफ व्हिच 1/5 वाज रिटर्न बाय भारत बीइंग डिफेक्टिव. तो भारत को हमने 10,000 का गुड्स बेचा. हम पुनीत हैं, हम दिल्ली के हैं, तो दिल्ली ज्यूरिडिक्शन के बाहर बेचेंगे तो IGST. तो दो एंट्री कर दो फोर्थ का. तो भारत को बेचा उधार पे. इंक्रीज इन डेटर्स एसेट इज डेबिटेड. डेटर एसेट डेबिट हो गया. 10,000 प्लस 10,000 का जीएसटी आपके यहाँ पे 12% टू सेल्स अकाउंट 10,000. इंक्रीज इन रेवेन्यू, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन रेवेन्यू एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी टू आउटपुट IGST, क्योंकि दिल्ली से हम हरियाणा में बेच रहे हैं. तो तीनों इंक्रीज हो रहा है. तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड, इंक्रीज इन लायबिलिटी क्योंकि हमने भारत को बेच के एक लायबिलिटी इनकर कर दिया. आउटपुट IGST अकाउंट 1200, 10,000 का 12% 1200. नैरेशन होगा बीइंग सोल्ड गुड्स एंड क्रेडिट टू भारत एंड चार्ज्ड 12% IGST ऑन इंटर स्टेट ट्रेड, क्योंकि स्टेट के बाहर हमने बेचा और इसका 1/5 रिटर्न हो गया. ये पूरा ट्रांजैक्शन को रिवर्स करके 1/5 कर दो, फॉर्मूला वही लगेंगे. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड या रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिटेड. डिक्रीज इन रेवेन्यू. आउटपुट IGST डेबिटेड, डिक्रीज इन लायबिलिटी एंड टू भारत, डिक्रीज इन एसेट, डेटर घट गया. Being 1/5 of the goods returned by Bharat and the required amount of IGST reversed due to sales return. Sales return हो गया तो IGST रिवर्स हो गया. Then, 5th,
चेक 20,000 इशूड बाई फिरोज वॉज डिजनर्ड, हमने फिरोज से चेक लिया था तो बैंक टू फिरोज वो डिजनर हो गया, तो फिरोज डेबिटेड टू बैंक, यानी फिरोज से चेक लिया था तो डिक्रीज, दोनों डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, बींग चेक रिसीव फ्रॉम फिरोज रिटर्न डिजनर्ड। या आप जब फिरोज से चेक लेते हो, आप एंट्री क्या करते हो, बैंक टू फिरोज, जब रिवर्स होगा फिरोज टू बैंक, वो उल्टा उल्टा हो गया। रिसीव्ड 40 पैसे ने रुपी फ्रॉम फिरोज एगेंस्ट द अबव ड्यूज, ये जो 20,000 का 40% कितना होता है 8,000, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू फिरोज, क्योंकि इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। और कहीं नहीं लिखा है कि रिसीव्ड 40% रुपी इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, यानी और मिलेगा नहीं, तब होता कैश बैंडेड टू फिरोज। या अगर लिखा होता इन सेटलमेंट तो डिस्काउंट होता है, कैश अकाउंट डेबिटेड 8,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड 12,000 टू फिरोज, अगर लिखा होता इन सेटलमेंट। और लिखा होता फिरोज बिकेम इंसॉल्वेंट रिसीव्ड एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट इतना 40%, तो बैड डेट अकाउंट डेबिटेड यहाँ बीच में 12,000 होता है, बट यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं है, तो डोंट वरी। सेवेंथ, रिसीव्ड ए चेक ऑफ 25,000 फ्रॉम मोहन आफ्टर बैंकिंग आवर्स, बैंकिंग आवर्स के बाद मिला, तो हम करते नाउ कैश इज ए इंक्रीजिंग एंड ए फिरोज जो हमारा डेटर था तो डिक्रीजिंग डेटर, एक एसेट बढ़ रहा है एक एसेट घट रहा है, तो ये हो गया। सिक्स के बाद आपके, सिक्स के बाद सेवन, सेवन आप पढ़ो, रिसीव द चेक ऑफ 25,000 मोहन आफ्टर बैंकिंग आवर्स, बैंकिंग आवर के बाद, यानी चेक इन हैंड, जब बैंकिंग आवर के अंदर होता तो चेक बैंक में जमा हो जाता तो बैंक अकाउंट डेबिट होता, बट चेक इन हैंड एसेट है, इंक्रीज इन एसेट, बैंकिंग आवर के आप बाद जमा नहीं हो सकता चेक, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू मोहन, मोहन हमारा उधारी बढ़ रहा है, तो दोनों बढ़ रहा है, चेक इन हैंड इंक्रीज इन एसेट बढ़ रहा है एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी बढ़ रहा है, तो बींग चेक रिसीव्ड फ्रॉम मोहन आफ्टर बैंकिंग आवर्स। तो सेवन के बाद आपके एट, परचेज गुड्स फ्रॉम वरुण अब चंडीगढ़ 10,000 प्लस IGST 12%, सोल्ड देम टू अरुण अब शिमला एट 22,400 इंक्लूडिंग GST 12%। बढ़िया क्वेश्चन है। तो एट्थ में परचेज गुड्स फ्रॉम वरुण अब चंडीगढ़, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, इनपुट IGST अकाउंट डेबिटेड टू वरुण, आपको समझ में आ गया होगा। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, क्योंकि हमने GST पैसे दे के खरीदा, और इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज क्रेडिटेड। ये हो गया, 10,000 का गुड्स खरीदा और 12% IGST, क्योंकि हम खरीद रहे हैं बाहर से, वी आर बाइंग फ्रॉम चंडीगढ़, हम दिल्ली के ट्रेडर हैं, तो 1,200 रुपये, और टोटल उसको देना है 11,200। नरेशन पढ़ लो, बींग परचेज गुड्स फ्रॉम वरुण एंड क्लेम्ड IGST 12% ड्यू टू इंटर स्टेट परचेज, और इसी गुड्स को हमने 22,400 में बेच दिया शिमला में अरुण को, तो अरुण डेबिटेड 22,400 बोला है, क्योंकि 100% GST 12%, 100% सेलिंग प्राइस 12% GST, तो 112% के लिए 22,400। मैंने आपको समझाने के लिए 112 बाई 112 कर दिया। टू सेल्स अकाउंट, इसका सेलिंग प्राइस कितना है, बाई 112 इंटू 100, आपको यूनिटरी मेथड पता होगा, 112% के लिए 22,400, 1% के लिए कितना है 22,400 बाई 112, 100% यानी सेल प्राइस कितना इन टू 100, 20,000, 20,000 का 12% आपके 2,400। टू आउटपुट IGST 22,400 का 12 बाई 112, 2,400। तो बीन सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अरुण एंड चार्ज्ड IGST एट द रेट ऑफ 12% ड्यू टू इंटर स्टेट सेल। देन नाइन्थ,
तो इसमें आपके एक बार आपको मिल गया 20,000, तो 20,000 का 12 बाय 100 करो, या 112% के लिए 22,500 इंक्लूडिंग जीएसटी प्राइस। तो 112% के लिए कितना है, तो 1% के लिए कितना है सर? नाउ आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट 2,400 आ गया। तो बीइंग सोल्ड गुड्स एंड क्रेडिट टू अरुण एंड चार्ज आईजीएसटी एट 12% ड्यू टू इंटर स्टेट सेल, क्योंकि हम शिमला में अरुण को बेच रहे हैं। तो ये एट के बाद नाइन्थ, अरुण रिटर्न गुड्स 6,720 इंक्लूडिंग आईजीएसटी व्हिच आर रिटर्न टू वरुण। तो अरुण ने हमें इसका 6,720 का रिटर्न कर दिया, तो इसका उल्टा कर दो 6,720, फिर उसका इसका उल्टा कर दो। फर्स्ट अरुण से रिटर्न लो नाइन्थ में। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिटेड टू अरुण, क्योंकि रूल तो आपको पता होगा, डिक्रीज इन रेवेन्यू, डिक्रीज इन एवरीथिंग, डिक्रीज इन रेवेन्यू इज डेबिटेड, डिक्रीज इन लाइबिलिटी इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। 6,720 टोटल अरुण का ड्यू था, इतना वैल्यू का इंक्लूडिंग जीएसटी। तो 6,720 112% के लिए है, क्योंकि 100% सेल प्राइस, 12% जीएसटी। तो 1% के लिए कितना है, 6,720 बाई 112 इंटू 100 करेंगे तो सेल प्राइस आएगा, और इंटू 12 करेंगे तो जीएसटी प्राइस आएगा। बीइंग गुड्स रिटर्न बाय अरुण रिसीव्ड बैक एंड रिवर्स्ड आउटपुट आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 12% ड्यू टू इंटर स्टेट सेल्स रिटर्न। इसके बाद ये चीजें को रख के हम क्या करेंगे, हमने वरुण को रिटर्न कर देंगे, तो वरुण का उल्टा एंट्री कर दो, वरुण डेबिटेड टू परचेज रिटर्न टू इनपुट आईजीएसटी। मैं आपको समझा देता हूं, हमने जो गुड्स रिटर्न करा उसका हमने अरुण को सेल किया था उसको, तो अरुण को वरुण से एक 11,200 का चीज को आईजीएसटी प्राइस के साथ, तो वरुण को बेचा था 22,400 में, अरुण को बेचा था, वरुण से खरीदा था 11,200 का और वरुण को बेचा था 22,400 में। तो जब 11,200 परचेज प्राइस होता है, सेल प्राइस होता है 22,400, जब 6,720 सेल प्राइस होता है तो उसका परचेजेस प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी कितना होता है ना, 3,360। तो 3,360 के अंदर 100% कॉस्ट इंक्लूडेड है, 12% आईजीएसटी इंक्लूडेड है। तो इसको रिवर्स करने के टाइम पे दिस इंटू 100 बाई 112, दिस इंटू 12 बाई 112, यानी वरुण हमारा क्रेडिटर था, डिक्रीज इन लायबिलिटी इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, क्योंकि हमारा इनपुट आईजीएसटी एक एसेट होता है और उसको हम रिवर्स कर देंगे। तो उसको नरेशन पास कर लो, बिंग रिटर्न गुड्स टू वरुण रिवर्स आईजीएसटी 12% ड्यू टू इंटर स्टेट परचेजेस रिटर्न, इसको हमने वापस कर दिया हरियाणा। तो नाइन्थ के बाद आपके टेंथ, परचेज रिटेन्स टेवी सेट्स ऑफ 20,000% एंड पेड आईजीएसटी 12%, ही सोल्ड ऑल द सेट्स एट 25,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच। तो हमने आईजीएसटी देकर खरीदा, हमने पुनीत ने परचेजेस अकाउंट डेबिटेड इनपुट आईजीएसटी डेबिटेड टू कैश, किससे खरीदा बताया नहीं। तो ये सारे इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, आप इसको एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हो, एसेट भी बोल सकते हो, एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। 20,061 इंटू 10, 2,00,000, 2,00,000 का 12% 24,000, टोटल 2,24,000 दिया। इसको हमने 25,000 में बेच दी, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 25,000 इंटू 10 टीवी सेट, देखो 10 खरीदा 10 बेचा। अब जीएसटी इसका 6% लगेगा, सीजीएसटी 6 टू सीजीएसटी 6% 2,50,000, इसका इसका 6% सेम एसजीएसटी स्टेट जीएसटी।
ये तीनों को ऐड करके ये आपके हो जाएगा, आपके पास पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। नरेशन लिख दो, बीइंग सोल्ड गोड्स फॉर कैश एंड चार्ज सीजीएसटी एसजीएसटी एट 6% ईच ड्यू टू इंट्रास्टेट सेल। एक्स के बाद 10th के बाद 11th पेड इंश्योरेंस 11,200 इंक्लूडिंग सीजीएसटी एसजीएसटी 6% 6% में फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर इंक्लूडिंग। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड 10,000 क्योंकि जीएसटी 12% इंक्लूडेड रहे। सेम फॉर्मूले में 100% एक्चुअल वैल्यू 10,000। तो इनपुट सीजीएसटी 6%, इनपुट एसजीएसटी 6%, मैंने सेम 112 6/112 कर दिया क्योंकि इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड। और जीएसटी हमारा जमा रहता है, हम खरीदते हैं तो इट कैन बी ट्रीटेड एज एसेट एंड एक्सपेंडिचर। तो इस केस में आपके दोनों, ये दोनों आपके इनपुट ये एसेट है, हमने पे करके लिया है, तो ये दोनों इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, ये इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड। टू कुछ बताया नहीं, टू कैश अकाउंट डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। बीइंग पेड इंश्योरेंस प्रीमियम इन कैश एंड पेड सीजीएसटी एसजीएसटी एट 6% इज ड्यू टू इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। देन 12th सोल्ड पर्सनल कार 1 लाख एंड इन्वेस्टेड अमाउंट इन द फार्म दैट इज कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अपना घर का प्राइवेट गाड़ी बेच के पैसे बिजनेस में लगा दी, इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड। देन नेक्स्ट आपका होता है 12th गुड्स 1 लाख डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ 75,000, दिस गुड्स आर परचेज विद इन दिल्ली पेइंग सीजीएसटी एसजीएसटी 6%। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। जब गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया हमने क्लेम लॉन्च कर दिया, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टोटल 1 लाख का 6% जीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी, तो 1,12,000 का इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम लॉन्च किया। तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज क्रेडिटेड, एंड डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। देन इंश्योरेंस कंपनी 75,000 दिया, बैंक अकाउंट डेबिटेड, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 1,12,000। Being claim accepted by the insurance company and difference treated as a loss. आप ऐसे कर सकते हो, loss of goods by fire, the loss of goods by fire account debited 1,12,000 क्योंकि goods जला साथ में GST भी damage हो गया, तो ये भी हो सकता है और better होगा, insurance company debit credit cancel हो गया, हमें पैसे मिला 75,000, difference is treated as a loss. Then नेक्स्ट वन होता है मशीनरी, कैसे ना आप देखो, परचेज मशीनरी 56,000 इंक्लूडिंग आईजीएसटी 6,000, पेड कार्टेज देयर एंड 5,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000। तो मशीनरी के ऊपर जीएसटी है, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, इनपुट आईजीएसटी 6,000 डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट डेबिटेड, जीएसटी 50,000 के ऊपर 6,000 है, बाकी जो 11,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं न्यू मशीन पे, आपको ध्यान होगा कार्टेज 5,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000, 16,000, तो 16,000 प्लस 56,000 सब मिलाकर आपको ऐड करके आप करोगे टू कैश अकाउंट। ये देखो 50, देन ये सारे को ऐड करके आपके इसमें जीएसटी इनपुट जीएसटी को माइनस करके, बिकॉज जीएसटी हमारा, हम जो खरीदते हैं ये हमारा एसेट है, इसी से हमारा आउटपुट जीएसटी माइनस करने के बाद गवर्नमेंट को पे करते हैं, तो आउटपुट जीएसटी हमारा लायबिलिटी है और इनपुट जीएसटी हमारा एसेट है। तो हमारा 50 + 60 + 11 71 पे कर दिया, 71 से 6 चला गया तो 65 मशीन का कॉस्ट आया,
यानी 50,000 प्लस 15,000 इंस्टॉलेशन और कैरियज। खाली ये जो जीएसटी पोर्शन, ये मशीन का कॉस्ट में कैपिटलाइज नहीं होगा, बिकॉज खाली इतना हमारा एसेट वैल्यू है। देन जो नेक्स्ट है इसका, आपके बीइंग मशीनरी परचेस्ड फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली बाय पेइंग आईजीएसटी एट 12% एट द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन एंड कार्टेज कैपिटलाइज्ड बाय डेबिटिंग द मशीनरी अकाउंट। देन नेक्स्ट वन इज योर कोई डिफरेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको समझा देता हूं। 15 नंबर, गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड टू कपिल एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस सीजीएसटी एजीएसटी 6% एंड रिसीव्ड चेक अंडर 2% कैश डिस्काउंट। तो मैं यहां पे एंट्री करने से पहले मैं आपको वर्किंग दिखाना चाहूंगा। 40,000 का गुड्स कॉस्ट प्राइस 40,000, सेलिंग प्राइस का 20% में बेच दिया गया। तो वर्किंग नोट 15th ट्रांजैक्शन का लेट द सेल प्राइस बी एक्स, हमें पता नहीं है। टेक ए सिंपल फॉर्मूला, सेल प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। सेल प्राइस हमें पता नहीं है, कॉस्ट प्राइस हमें पता है 40,000, सेलिंग प्राइस का 20% होता है प्रॉफिट या लोडिंग। तो लोडिंग या प्रॉफिट, ये बचपन में सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हम पढ़ा करते थे स्टैंडर्ड 4-5 में। अभी आप 11th क्लास में भी इसी को पढ़ोगे। तो एक्स का 20% एक्स आपके सेलिंग प्राइस ले लो, तो एक्स का 20% प्रॉफिट है। तो नाउ सॉल्व फॉर एक्स, इक्वेशन सॉल्व करके एक्स आ गया 50,000। ये सेलिंग प्राइस 50,000 है, दिस इज लिस्ट प्राइस, ये लिस्ट प्राइस से 10% ट्रेड डिस्काउंट होगा। नाउ गो टू द सम। तो दिस इज टू सेल अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, इंक्रीज इन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड। 50,000 सेल प्राइस का 10% आपके माइनस करेंगे, जो 10% माइनस करेंगे दैट इज इनवॉइस प्राइस से 10% आप अगर अनलोड करने के लिए माइनस करोगे दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। तो 45,000 का 2% डिस्काउंट, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड, इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड। तो 900 रुपये, तो 45,000 से 900 माइनस करके जो आएगा दैट इज टू आउटपुट सीजीएसटी 45,000 का 6%। तो एक्चुअली 45,000 का 6% जीएसटी नहीं होगा, 45,000 से 900 माइनस करके जीएसटी होगा। तो आप एक काम करो, 45,000 माइनस 900 जो आएगा उसका आप 6% जीएसटी करो। फिर अगेन ये अमाउंट नहीं होगा, इट इज 44,100 का 6%, फिर सेम 6% टू दिस। तो इसको आप 45,000 माइनस 900 जो आएगा उसका 6% निकालो, उसका 6% निकालो, ये दोनों को चेंज करो। इसी का आप 45 प्लस ये तीनों को ऐड करके उससे 900 माइनस करके यहाँ पे लिख दो। देन लास्ट वन, परचेज मशीनरी फ्रॉम न्यू मशीनरी हाउस फॉर 50,000, पेड इट बाय बैंक ड्राफ्ट एंड पेड बैंक चार्जेस 500 एंड बैंक चार्जेस सीजीएसटी 6% एंड बैंक चार्जेस। पहले बैंक चार्जेस डेबिटेड, इनपुट सीजीएसटी एजीएसटी टू बैंक। तो बैंक से पहले बैंक चार्जेस पे करो, बैंक चार्जेस का 6% जीएसटी एसेट है। ये इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड टू बैंक, डिक्रीज इन एसेट इज क्रेडिटेड। तो इसको करके फिर आप मशीन खरीदो, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 50,000 प्लस बैंक चार्जेस इंक्लूडिंग जीएसटी टू बैंक चार्जेस। तो इनपुट सीजीएसटी इनपुट एजीएसटी इसको कैंसिल कर दो,
Being machinery purchased and bank charges 500 capitalized along with input CGST, HGST. और जर्नल को टोटल करो एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर.